गर्मियों का सीजन शुरू हो गया है और हम कुछ मिल्क शेक बनाना चाहते हो, मगर हमारे घर में कोई चॉकलेट, कोको पाउडर या चॉकलेट सिरप कुछ भी अवेलेबल ना हो, तो हम कैसे बनाएंगे मिल्क शेक? तो उसके लिए मैं आज आपको एक सिखाऊंगी, बोर्बन बिस्किट मिल्क शेक विथ आइसक्रीम। हमें चाहिए बोर्बन बिस्किट 5, चेरी, काजू, एक ठंडा ग्लास मिल्क, आइस क्यूब्स, आइसक्रीम और थोड़ा सा बनकुटा। पहले हम बोर्बन बिस्किट को ग्राइंड कर लेंगे। इसे पूरा पाउडर मत कीजिए, थोड़ा पीसेस रहेगा तभी अच्छा लगता है। यह हमारा ग्राइंडिंग हो गया बिस्किट। इसमें से हम 2 चम्मच निकाल के रख देंगे गार्निश के लिए। फिर इसमें चीनी डाल देंगे, दूध 1 ग्लास डाल देंगे, आइस क्यूब्स डाल देंगे, मैंने 8 आइस क्यूब्स लिए हैं, 2 चम्मच वैनिला आइसक्रीम डाल देंगे और इसे हम फिर से ग्राइंड कर लेंगे। इसे 4 से 5 मिनट तक ग्राइंड करेंगे, जब तक कि इसका झाग ना निकल आए। हमारा ग्राइंडिंग अब खत्म हो गया है, अब इसे हम सर्विंग ग्लास में सर्व करेंगे। इसमें हम आइसक्रीम डाल देंगे, मैंने वैनिला आइसक्रीम लिया है, आप चाहे जो भी ले सकते हैं, मगर इसके साथ वैनिला आइसक्रीम बहुत ही अच्छा लगता है। वो बोर्बन बिस्किट का पाउडर थोड़ा डाल देंगे, चेरी थोड़ा डालेंगे, काजू, फिर थोड़ा सा बॉर्नविटा इसमें डालेंगे। तैयार हो गया बोर्बन मिल्क शेक विथ वैनिला आइसक्रीम।